हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूज ऑफ एच आर एम वो आज पर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। हमें पता होना चाहिए कि एच आर एम का यूज कहाँ किया जाता है, वॉच वर का यूज कहाँ किया जाता है। सबसे पहले एच आर एम का यूज प्रेजेंट टेंस में तथा वॉच वर का यूज पास्ट टेंस में किया जाता है। एग्जांपल से समझते हैं। वे बहादुर हैं, सेंटेंस किस में दिया हुआ है? प्रेजेंट टेंस में। किस में दिया हुआ है? प्रेजेंट टेंस में। क्या बता रहा है कि वे बहादुर हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद वर्ब आर, उसके बाद ब्रेव बहादुर। नोट में दिया गया है, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करते हैं, और आई के साथ एम का यूज करते हैं। अब हमें पता कैसे हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का नाम। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम। क्लियर। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? वी, यू, दे या दो से अधिक व्यक्ति, या दो से अधिक व्यक्ति। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे वी, यू, दे या दो से अधिक व्यक्तियों का। क्लियर। तो इसका पहला रूल दिया हुआ है हमें कि अगर हमें सेंटेंस दे दें तो उसे बनाते कैसे हैं। तो पढ़ते हैं रूल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले किसका यूज करना है हमें? सब्जेक्ट का। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इच आर एम, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि उसमें इच लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है। उसके बाद जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है वर्ड उसे लिखते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है, मैं गरीब हूँ। सबसे पहले क्या कर लगाना है हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे सब्जेक्ट क्या होता है? किसी सब्जेक्ट वाक्य में कौन लगा के देखो। अगर मैं बोलूँ कौन गरीब है तो वाक्य में क्या आएगा कि मैं गरीब हूँ। इसे अगर मैं को छुपा लूँ और मैं बोलूँ कौन गरीब है तो सेंटेंस में क्या निकल के आएगा? मैं। तो मैं क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। आई के साथ मैंने बताया था अभी कि आई के साथ क्या लेते हैं? एम। तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद एम, उसके बाद यहाँ तक हो गया। उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट कौन कर रहा है? अब क्या बचा है यहाँ पे? गरीब। तो गरीब की क्या होती है? पुअर। क्लियर। अब इसी सेंटेंस को हम
छह तरीके से बनाते हैं। पहला हो गया वो हमने जो अभी किया था। दूसरा पॉइंट होता है इसमें नेगेटिव, नेगेटिव इसकी हिंदी लिख लो आप लोग, नकारात्मक। क्या होती है? नकारात्मक। स्टार्ट करते हैं। अगर सेंटेंस बोलूँ मैं, वे बहादुर नहीं है, वे बहादुर नहीं है, तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले रूल देखते हैं। सबसे पहले वही सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम। सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में इज लगेगा, आर लगेगा या एम लगेगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। उसके बाद कंप्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को, जो वाक्य को पूरा करेगा वो। सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस क्या था हमारा? वे बहादुर नहीं है। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे। तो सबसे पहले वे क्या होता है हमारा? दे, दे माने वे। दे हमारा क्या है? दे प्लूरल है, बहुवचन, मतलब प्लूरल। क्या हमारा प्लूरल वर्ब? तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी आती है? आर। वर्ब के बाद क्या आएगा? नॉट। नॉट लगा दिया। अब सब्जेक्ट में बचा क्या? बहादुर। तो बहादुर को क्या होता है? ब्रेव। तो कैसे बनाएंगे? दे आर नॉट ब्रेव, वे बहादुर नहीं है। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। वह बुरा नहीं है, वह बुरा नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा? वह। ही क्या हमारा? ही क्या हमारा सिंगुलर? ही हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट इज। ही के साथ क्या आएगा हमारा? सिंगुलर वर्ब इज। इज के बाद क्या लगाना है हमें? नॉट। इज के बाद क्या लगाना है? नॉट। नॉट के बाद जो कंप्लीट सेंस कौन कर रहा है हमारा? वर्ड क्या बचा? बुरा। बुरा की क्या होती है? बैड। कैसे बनाएंगे? वह बुरा नहीं है, ही इज नॉट बैड। क्लियर। उसके बाद आगे पॉइंट होता है रूल नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? लिख लो, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो रूल पढ़ते हैं इसका, इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इज, आर, एम। सबसे पहले इज, आर, एम, इनमें से एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में क्या आएगा? इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा। उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद जो सब वाक्य को, जो सेंटेंस को कंप्लीट करे वो वर्ड। एग्जांपल से समझते हैं। क्या तुम किसान हो? तो इंटरोगेटिव जो वर्ड होते हैं, सबसे पहले हम जब प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो हम जब किसी को क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे वाक्य में सबसे पहले क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं कि नहीं करते? तो बोले तुम कहाँ जा, क्या कर रहे हो। जब आप क्वेश्चन करोगे तो बोलोगे ना क्या कर रहे हो। जैसे ही इस सेंटेंस में सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाना है? सबसे पहले क्या लगा कर आप किसी से क्वेश्चन करोगे? सेंटेंस है, क्या तुम किसान हो? क्या तुम किसान हो? जब वाक्य में सबसे पहले क्या आना चाहिए? क्या वाक्य में सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब इच, आर, एम। उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद जो वाक्य को कंप्लीट कर रहा है वर्ड, तो लगाते हैं।
सबसे पहले हमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है इसमें। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू, तुम क्या? यू जो वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल वर्ड, तो प्लूरल वर्ड के साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब क्या आएगी? आर, सबसे पहले आर। आर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। यू उसके बाद कंप्लीट कौन कर रहा है सब वाक्य को? किसान। तो यू आर यू ए फार्मर, क्या हो गया? आर यू ए फार्मर। सबसे पहले क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो वाक्य को कंप्लीट कर रहा है, और इंटरोगेटिव वाक्य में सब बाद में क्या लगाना है? क्वेश्चन वर्ब, इसे लगाना ना भूलें। क्लियर? इससे अगला पॉइंट, इस अगर इसमें नेगेटिव आ जाए, अगर वाक्य में बोल दे कि क्या तुम किसान नहीं हो, तो नेक्स्ट पॉइंट होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूल होता है, सबसे पहले वही इच आर एम, सबसे पहले इच आर एम सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस में क्या लगेगा? इज लगेगा, आर लगेगा या एम लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है हमें? नॉट। नॉट के बाद जो सब वाक्य को कंप्लीट करे वर्ड, वो ऐसे एग्जांपल समझते हैं। क्या वह नेता नहीं है? क्या वह नेता नहीं है? तो सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। वह क्या है हमारा? सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है हमारा? इच। क्लियर? तो सबसे पहले क्या लगाना है? इच, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? ही, सब्जेक्ट ही। उसके बाद नॉट, उसके बाद कंप्लीट कौन कर रहा है? नेता, ए लीडर। उसके बाद क्वेश्चन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट होता है, अगला पॉइंट, वाई एंड हाउ का यूज। वाई एंड हाउ का यूज रूल दे रखा है। सबसे पहले रूल पढ़ते हैं, वाई या हाउ इनमें से सेंटेंस के अकॉर्डिंग। वाई माने क्या होता है? क्यों? हाउ माने कैसे? सेंटेंस में वाई या हाउ, उसके बाद इच आर एम सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या हमारा? सिंगुलर है तो इच, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, अगर आई है तो एम। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला वर्ड। एग्जांपल समझते हैं, तुम क्यों तैयार हो? तो इसमें सबसे बीच में वर्ड क्या आया है? क्यों। अगर वाक्य के बीच में क्यों, अगर वाक्य के बीच में क्यों या कैसे आए हों, आप इस तरह समझ सकते हो कि वाक्य के बीच में क्या है? क्यों या कैसे। वाक्य के बीच में क्यों या कैसे आए हों, तो उससे कैसे बनाते हैं? सबसे पहले वाई या हू, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो वाक्य को कंप्लीट करने वाला वर्ड होता है कंप्लीट। क्लियर? एग्जाम्पल दे रखा है, तुम क्यों तैयार हो, तो वाक्य में क्या आ जाए? क्यों। क्योंकि वर्ड मीनिंग क्या होती है? सबसे पहले हमें क्या लगाना है? वाई। सबसे पहले क्या लगाना है? वाई। वाई उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम क्या है हमारा? प्लूरल वर्ड मीनिंग बहुवचन, तो इसके साथ क्या आता है? आर। आर लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू। यू लगा दिया। बचा क्या? आप तैयार। तैयार की क्या होती है? रेडी। सेंटेंस कैसे बनेगा? वाई आर यू रेडी।
तुम क्यों तैयार हो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर? एक कैसे का समझते हैं, एक और एग्जांपल है। मैं कैसे एक चोर हूँ, मैं कैसे एक चोर हूँ। तो सबसे पहले वर्ड बीच में क्या आ जाए, कैसे, सबसे पहले कैसे की वर्ड मीनिंग आओ, उसके बाद क्या लगाना है हमें, इज आर एम में से एक वर्ड क्या लगाना है हमें, इज आर एम में से एक लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं के साथ क्या लगाते हैं, एम। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। उसके बाद बचा क्या, एक चोर, क्या हुआ, ए थी। उसके बाद क्वेश्चन। क्लियर? अगर इसी वाक्य में दे दे, अगर इसी वाक्य में नहीं दे दे तो कैसे बनाएंगे, उसका आगे रूल है, देखते हैं। वाई या हू, उसके बाद एच आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है हमें, नॉट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट। लिखते हैं, वे कैसे नेता नहीं है, वे कैसे नेता नहीं है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बीच में क्या दिया हुआ है, कैसे, तो कैसे की सबसे पहले कैसे की वर्ड मीनिंग आओ। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आता है, वे के साथ क्या आता है हमेशा, आर। तो उसके बाद आर, सब्जेक्ट हमारा वे है, तो उसके बाद सब्जेक्ट, दे, उसके बाद नॉट, उसके बाद जो कंप्लीट करने वाला वर्ड है, अब बचा क्या, नेता, तो लीडर्स। क्लियर? सबसे पहले क्या आगे लगाना है, कैसे की, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो हमारा यहाँ क्या वर्ब, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद जो वर्ड में जो कंप्लीट करने वाला वर्ड है, सेंटेंस में जो कंप्लीट करने वाला वर्ड है। क्लियर?